जब कभी भी आप अफ्रीका के इन घने जंगलों के बारे में सोचते हो, आपके मन में कुछ ऐसे ख्याल आते होंगे जिसमें शेर, विल्डरबीस्ट और जंगली भैंसों का शिकार करते नज़र आते हैं। जंगली कुत्ते और लकड़बग्गे हिरण का शिकार करते नज़र आते हैं। तेंदुए और मगरमच्छ खात लगाकर शिकार करते नज़र आते हैं। लेकिन इन सब से अलग क्या आपकी नज़र कभी अफ्रीका के इन छोटे खतरनाक शिकारी जानवरों पर गई है? आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे जानवरों को शामिल किया है जो कुछ ऐसे कारनामे कर रहे हैं जो नामुमकिन से लगते हैं। हनी बेजर कहीं पर जहरीले सांप और कहीं पर अजगर जैसे भारी भरकम सांपों का शिकार कर रहा है, तो इसी जंगल के दूसरे कोने में छोटे खूबसूरत से जानवर मीरकेट जहरीले कोबरा और जहरीले बिच्छुओं का शिकार कर रहे हैं। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे जानवरों से मिलने वाले हो जो बहुत ही ताकतवर और खतरनाक शिकारी जानवर है। इन शानदार जानवरों को देखने के लिए बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। अफ्रीका के दक्षिण में साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोस्टवाना में 52 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 2 किलो वजनी एक छोटी सी बिल्ली पाई जाती है जिसका नाम है ब्लैक फुटेड कैट। एक साधारण सी दिखने वाली ये बिल्ली बहुत ही खतरनाक शिकारी है। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये दुनिया की सबसे खतरनाक शिकारी बिल्ली है। अगर आप इसके शिकार करने की तुलना दुनिया की किसी भी दूसरी बिल्ली से करोगे तो ये दूसरी बिल्लियों से कई गुना आगे है। जब ये बिल्ली शिकार पर निकलती है तो ये कभी भी भूखी वापस नहीं लौटती। अगर ये 10 बार किसी चूहे का शिकार करती है तो उसमें से ये लगभग 8 से 9 बार सफलता प्राप्त करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम शेरों और टाइगर्स की बात करें तो शेर सिर्फ 2 बार ही सफल हो पाते हैं और टाइगर तो शायद ही कभी 1 बार। ब्लैक फुटेड कैट एक रात में लगभग 10 से ज़्यादा चूहों का शिकार कर लेती है। ये बिल्ली अक्सर रात को शिकार करती है। रात में शिकार करने वाले जानवरों में एक और जानवर है जो उत्तरी अफ्रीका के इन कम रेगिस्तानी और दुनिया के इस सबसे बड़े सहारा रेगिस्तान में रहता है। उसका नाम है फेनेक फॉक्स। लोमड़ी प्रजाति का ये जानवर अपने वातावरण में इस प्रकार से घुल मिल गया है कि रेत के नीचे हो रही छोटी सी हलचल भी इनसे नहीं बच पाती। लोमड़ी की ये प्रजाति इस वातावरण में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो चुकी है। इनके लंबे लंबे कान इनके मुख्य हथियार है। इनके लंबे कान इन्हें सुनने और इनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के काम आते हैं। फेनेक फॉक्स आज एक जेरबोआ के शिकार पर निकली है। जेरबोआ एक चूहे की प्रजाति का जानवर है। इनके पीछे की टांगें कुछ ज़्यादा ही लंबी है जिनकी मदद से ये रेत में उछल कर आगे बढ़ते हैं। अपनी इन लंबी टांगों की मदद से ये चूहा अपने शरीर की लंबाई का लगभग 10 गुना ज़्यादा दूरी एक छलांग में तय कर सकते हैं। ये चूहा और दिनों की तरह आज भी अपनी दिनचर्या में लगा हुआ है, लेकिन इसे क्या पता आज इसके पीछे एक लोमड़ी लगी है। थोड़ी देर बाद जब इस चूहे को लोमड़ी का पता चलता है तो ये पूरी कोशिश करता है अपने आप को छुपाने की, लेकिन लोमड़ी को इसकी हर हलचल का पता रहता है और आखिर में वो इसका शिकार कर लेती है। फेनेक फॉक्स से अलग एक और जानवर है जो कम रेगिस्तानी इलाके में रहने के लिए बने हैं। नेवले जैसे दिखने वाले ये छोटे छोटे से जानवर मीरकेट के नाम से जाने जाते हैं। आकार में भली से ये छोटे हो लेकिन इनका काम बहुत ही बड़ा है। जिन जहरीले बिच्छुओं को देखकर हम इंसानों की हवा टाइट हो जाती है, उन बिच्छुओं को ये बड़े आराम से चबा कर खाते हैं। बिच्छू इनके लिए एक जूसी रसीले खाने के अलावा और कुछ नहीं है। बिच्छुओं के अलावा दूसरे कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, फल सब्जियाँ, अंडे, छोटे पक्षी और कभी कभी छोटे सांपों का भी ये शिकार करते हैं। रात भर ये आराम करते हैं और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उनके झुंड का कोई एक सदस्य सबसे पहले बाहर आता है और चेक करता है कि बाहर कोई खतरा तो नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरा बाजों का होता है। जब इन्हें कन्फर्म हो जाता है कि बाहर कोई खतरा नहीं है तब ये एक साथ बाहर निकलते हैं और सूरज की धूप में खड़े होकर ये धूप का आनंद लेते हैं और फिर खाना जुटाने में लग जाते हैं। इनकी इस प्रक्रिया के दौरान इनका एक सदस्य हमेशा किसी ऊंचे इलाके से चारों तरफ नज़र रखता है। जैसे ही किसी पक्षी की आवाज़ इन्हें सुनाई देती है या फिर कोई पक्षी इन्हें आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है तो ये तुरंत अपने बिलों में घुस जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो जब इन्हें आसमान में कोई एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है तब भी उसे खतरा समझकर ये अपने बिलों में घुस जाते हैं।
इससे मिलिए, यह है दुनिया का सबसे बहादुर जानवर, किसी से भी ना डरने वाला, शेर और तेंदुए से भिड़ जाने वाला। ये जानवर हनी बेजर या फिर रेटल के नाम से जाना जाता है। जंगल के जितने भी छोटे जानवर होते हैं वो सब जानवर इससे डरते हैं। ज़्यादातर समय ये पक्षी अंडे छोटे कीड़े मकोड़े और सांपों का शिकार करते हैं। उसके अलावा उनके इलाके में घूमता हर सांप इनका खाना बन सकता है। अजगर जैसे सांपों से आखिर कौन भिड़ना चाहेगा, लेकिन अगर वो इस हनी बेजर के इलाके में है तो फिर वो यमराज के इलाके में है। अजगर को जकड़कर मारने वाले जानवरों के रूप में जाना जाता है। अजगर की जकड़ इतनी मजबूत होती है कि शायद ही कोई इससे बच सके, लेकिन जब बात हनी बेजर जैसे जानवर की आती है तो फिर यहाँ पर अजगर कुछ नहीं कर सकता। हनी बेजर अजगर जैसे भारी भरकम सांप का भी शिकार कर लेता है। उसके अलावा हनी बेजर पर सांपों के जहर का कोई असर नहीं होता, इसीलिए कभी कभी जहरीले सांपों का भी शिकार ये करते हैं। एक भूखा हनी बेजर शेरों के द्वारा किए गए शिकार से भी अपने लिए कुछ खाना छीन कर ला सकता है। इन्हें किसी का डर नहीं। खाना चुराने के मामले में सियार को हम कैसे भूल सकते हैं। जब हनी बेजर अजगर का शिकार कर रहा था तब भी ये सियार हनी बेजर के शिकार को छीनने की कोशिश कर रहे थे। बड़े अफसोस की बात है, सियार को दुनिया में लोग खाना चुराने वाले जानवरों के रूप में पहचानते हैं, लेकिन उनसे अलग सियार भी एक शिकारी जानवर होता है। सियार को कई बार बड़ी निर्दयता से शिकार करते देखा है। ये अपने शिकार पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते। सियार ज़्यादातर पक्षियों का शिकार करते हैं। यहाँ पर जरा आप देखिए कि किस तरह से इसने एक बगुले का शिकार किया है। सियार बहुत ही चालाक शिकारी जानवर है। अपने शिकार पर हमला करने के लिए ये कई घंटों तक का इंतजार कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये इतने स्मार्ट होते हैं कि इनकी फिराक ऐसे जानवरों पर होती है जो शिकार कर रहे होते हैं, जैसे कि ये शेरों के ग्रुप का पीछा करते हैं और जैसे ही शेर शिकार करते हैं और जब शेर शिकार को खाकर वहाँ से चले जाते हैं तब बचे कुचे मांस पर इन सियारों का हक होता है। ये दिन भर इधर उधर शिकार ढूंढते रहते हैं और जहाँ कहीं भी इन्हें मौका मिलता है ये शिकार चुराने में बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ते। वैसे जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इन सभी जानवरों में से कौन कौन से जानवरों को देख रखा है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप एनिमल टीवी हिंदी पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। जल्द ही मिलते हैं इसी तरह के एक और शानदार वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।